ओए ओए पैर हटा। अरे मैं उठा लूंगा ना, मेरे को डर लग रहा है पैर। ओए धीरे ले ले। अरे कितनी गंदी एक्टिंग करते हो छी। ये बातें कर रहे हो तो फिर स्कूटी दे ही क्यों रहे हो मुझे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बच चुके हैं 12। मॉर्निंग शेनानिगंस मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी बहन अभी तक सो रही है। मैं तो काफी लेट तक हम काम कर रहे थे, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था, ये अपना काम कर रही थी, तो इसने काफी देर हो गई। तो भाई आज बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से मैंने काम करना है और उसके लिए मेरे को शायद कॉफी पी लेनी चाहिए। अरे दूध का है ठंड, मैं ठंडा दूध नहीं है क्या? नहीं है? हेलो ठंडा दूध ठंडे दूध का जुगाड़ हो चुका है। मेरी मम्मी निकाल के रखा था, ये रखा था मम्मी निकाल के। कहाँ है कॉफी, कहाँ है पानी? तो जी आज हम तुम्हें बताएंगे कॉफी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपना गंदा सा ब्लेंडर ले ली और उसके ऊपर छन्नी लगा दें, फिर उसमें अपने लिए दूध डालें, उतना ही डाले जितना पी सके। ज्यादा डाल देंगे तो घर में मेरे जैसा बंदा नहीं होगा जो पी लेंगे। ये तो कम है, कम दूध पी लेंगे। तेरे पास कोई और रास्ता है? अब उस छन्नी को दूध डालें। अब अपनी कॉफी निकालें जो कि हमने अपनी यहाँ रखी हुई है। ये डेविड ऑफ इस पर लिखा तो है, बट डेविड ऑफ वाली है नहीं, इसके अंदर पता नहीं नेस्ट कैसे किया शायद क्योंकि डेविड ऑफ वाली हमने खत्म कर दी। हम लेके नहीं आए थे, हम इतने महंगे शॉप में देखते। हमारे को ये मिली थी दिवाली का गिफ्ट में। चीनी भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप बूरा ले सकते हैं, नहीं तो आप खांड भी ले सकते हैं। मैं चीनी ले रहा हूँ। कॉफी तो कम है, और अगर आपके घर में कोई एक छोटी बहन है तो कॉफी हमेशा कम ले क्योंकि वो आपको काट देगी अगर आपने खत्म कर दी तो। और कटा हुआ इंसान कॉफी नहीं पी पाता। हूँ ऐसे चीनी सीटें, एक और चम्मच सीटें, आधी चम्मच और सीटें, जहां से सामान लिया था वहीं पे उसको वापस रख दे, नहीं तो मम्मी तुम्हारा भरता बना देंगी। ब्लेंडर या मिक्सी पे इसको रख के चला दे एंड रोल दे। जब ये हो जाए तो इसको अपने कप शेकर या फिर ग्लास के अंदर लगा के पी लें। कॉफी का आज भी कलर अच्छा नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली ब्रू किया। इसमें कॉफी बनाने के बाद इसको धो भी दे क्योंकि अगर नहीं धोएंगे तो आपकी दोबारा से आपकी छोटी बहन आपकी मम्मी बनके आपको डांट मार देगी। अच्छा कॉफी बन जाए तो उसको पीते भी अपना काम भी कर लें, ठीक है? सिर्फ ऐसे घूमते रहना नहीं है। ठीक है आ जा। अरे थोड़ा तो टाइट रख अपने कमर पर, तो ना खींच जाएगी तू। अब तू जानबूझ के नोट रही सीधी दोबारा। हाँ अपनी थोड़ी कमर टाइट रखी, ठीक है? या तुझे कह रहा था कि तेरी नस ना खींच जाए, मेरी खींच। अपना जलवा दिखा दिया फिर से, अगर ढंग से बोले तो कॉफी का जलवा हक में है निकला। निकी, बड़ी खतरनाक सी आई यार। एकदम सुनहरी सुनहरी। गाइस तुम सबको एक जादू दिखाऊं भाई? नहीं। मैं ना अपने अंगूठे को पूरा का पूरा पीछे कर सकता हूँ। से ना हो पाएगा। अजीब जानवर है मेरा ये। चोर। आज खाना नहीं खाया मैंने, काम के चक्करों में पानी पी पी के काम चला रहा हूँ। ला दिया मैंने यहाँ पे सुजू कर करके। ओ भाई पेट खराब होने की मेरा, फिर से मेरे को फ्रेश होने जाना पड़ेगा यार। अभी ये बता स्कूटी सोनीपत में छोड़नी है यहाँ पे मंगवानी है? क्योंकि अगर मंगवानी है तो या तो मैं लेके आऊँ मेरे दो घंटे खराब होंगे, या तो वो किसी बंदे को यहाँ पे वो छोड़ने आएगा और उसमें 400 रुपए लगेगा। क्यों मैं दो घंटे खराब कर लो अपने? 400 रुपए देगा तू? हाँ मैं तो दे दूंगा। पार्टी कर सकते हैं 400। वो बंदा यहाँ से लेगा तो वो भी 400 रुपए लिए हैं उसने। पार्टी की पड़ी देखो, मेरे दो घंटे खराब होंगे कुछ नहीं, वो दो घंटे नहीं 400 रुपए बोले, 4000 रुपए बनके वापस आएंगे मेरे पास। पका चलाएंगे तो फिर वो रोज तेरे को एटलीस्ट चला के आनी पड़ेगी एक राउंड, क्योंकि फिर वो खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी, खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी और ना लोग तुझे पागल कहेंगे, रोज आती है एक राउंड काट के रख जाती है। बाहर क्यों जाएगी पागल है? बाहर जाएगी। ये बातें कर रहे हो तो फिर स्कूटी दे ही क्यों रहे हो मुझे? भाई घुमाइयो मेरी मर्जी है। भाई समझ में नहीं आ रहा स्कूटी यहाँ पे मंगाए या फिर ना मंगाए, क्या कह रहे हैं? देखो भाई मेरी मेरी तीन उंगलियां आगे वाली, तीन अंगूठे, एक दो तीन। फाइनली डिसाइड कर लिया हमने 10-15 मिनट के अंदर अंदर कि हम पैसे दे देंगे और टाइम बचा लेंगे और उस टाइम को अच्छे काम में लगा लेंगे। अपना काम कर लूँ मैं। मेरी ना एक रिक्वेस्ट है कि जब वो स्कूटी आ जाएगी ना तो उसको हर दिन में एक बार स्टार्ट ही कराया कमीशन, ठीक है? बस क्या रही है कराइए, ठीक है? बार यूं मत बोल दो कि अन्नी करेगा सब। हाँ तो बोल दे, मेरे भी करना पड़ेगा साला। ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
तो भाई और उनकी बहनों, रोटी खाने का मन तो था नहीं, बट रोटी पे ऐसे नमक मिर्च मैंने लगा लिया और अब इसको आपको बना के खा जाऊंगा। जब घर में सब्जी बनी हो जो तुम्हें अच्छी ना लगती हो तो ऐसे ही खाना चाहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कड़क कड़क बोल रही है। पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई कर रही है तुम, कर लेती ये भी कर लेती तू, हो जाता देते। कोशिश है, कोशिशें हैं तेरी, कोशिशें ही करता है इंसान जिंदगी भर। लेकिन बात भी अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश कामयाब हो जाती है। नमस्ते दादी। जो हमारे व्यूअर्स हैं, किसी को कैसा लगता है कि मैं चिल्ला के बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि हाँ ये बोलती है। अब दिख रहा हूँ, अब दिख रहा हूँ। ओ कुशा का पिला 2.0। मिंटी आंटी, उसकी मिंटी आंटी बोलते हैं मेरे को। मिंटी मंडे आंटी, सॉरी मंडे आंटी। मम्मी आओ, थोड़ा दुखी कर दूं मैं आपको भी। स्कूटी आ रही है, मेरे थोड़ा सा दुखी हो जाओ प्लीज, ऐसे ही। ओह मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी। कितनी गंदी एक्टिंग करते छी। मैं तुझे बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, मैं तुझे परसती हूँ। यार मम्मी सीख रही है मेरी, मैंने यार दाना हो गया पीछे, देखो एक बार कैसा हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दर्द हो रहा उसमें। तू दर्द को मत देख, लो अब देख लो। ये अंदर है, ऊपर कुछ नहीं है, अंदर ये हो ही रहती है मेरे को कुछ कुछ टाइम में। तो भाई मैं मम्मी से थोड़ी सी तू मैं कराया हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ भगवान, ये बात मैं आप लोगों के सामने नहीं करा। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा फिर भी मेरे घुटने जवाब क्यों दे रहे हैं? कोई सेंस है इस बात? निकी बुढ़ी हो गई है, बुढ़ापा छा गया है तेरे। तू नीना गुप्ता को जानता है? नहीं। नीना गुप्ता को नहीं जानता, तू किसको जानता है? अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी ज्ञान है इस दुनिया में, सिर्फ अपने आप को जानना ज्ञान है दुनिया में सबसे बड़ा। आ गई निकी, आ गई तेरी स्कूटी सर्विस होके आ गई है। ऐसे हो रहा है, ऐसे नई दुल्हन को लेके आ रहे हैं, सारे उठ के जा रहे हैं यहाँ पे भाई। फिर बहुत टाइम बाद आई होगी और ठीक, कितना टाइम होगा, 6-7 महीने हो गए सोच रहा है। चलो भाई निकी स्कूटी तेरी लेके आए बोहेमिया। चलो भाई निकी वो खड़ी तेरी स्कूटी, पूरी साफ मस्त लग रही है एकदम, क्या लग गया निकी इतनी साफ तेरी स्कूटी देखे हुए हमें साल हो गया एकदम। चलो गिनती हो गया ये। अच्छा इसको ऑनलाइन पे कर दूँ ना मैं, उनसे मैं बात कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उन्होंने जो चार्ज बताया था वो ये बताया था कैश देना है, वो कैश देना, कैश ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कितने बताए थे उन्होंने मेरे को छोड़ने के? उन्होंने बोला था 400-300 बोला, मैंने 400-300 बोला था मेरे को, 400 बोला। अरे मजाक कर रहा है यार, 400 बोला ठीक है। ए बहुत टाइम हो गया तेरे स्कूटी में देखे हुए, मैं बैठूंगा साथ में बेटा। अच्छा ठीक है मोड़ ले, मोड़ 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 मोड़। अरे ऐसे कैसे मोड़ रही है, कौन है ये? गिर जा गिर जा। तो भाई चलने की सुन, मेरी बात सुन, गिरा मत और सारा सब कुछ कर ले, चल 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 चल। अरे मैं उठा लूंगा ना, मेरे को डर लग रहा है पैर मेरे नीचे रहने चाहिए। अरे धीरे ले ले। अरे स्टार्टिंग में तो दे दूंगी ना ताकि गिरे ना। ओह ये बहुत टाइम हो गया स्कूटी पे घूमे हुए, तुझे घूमे हुए मुझे चलाया हुए। और यहां से तो वैसे बिल्कुल ना मुड़े, क्यों यहां से उतारनी पड़ेगी तेरे को? ओए ओए पागल है क्या तू? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, धीरे 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 धीरे। अच्छा धीरे धीरे धीरे। यस वेरी गुड, कुत्ता हूं मैं। अभी तो ले 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 ले, लेफ्ट में लेफ्ट में। तू पागल गिराई आ गया। तो यार मैं जिम आ गया हूं। तो यार ओके गाइस, ठीक है गाइस बोलो, ओके गाइस जिम आ गया, ओके गाइस गाइस मैं जिम आ गया, ओके गाइस। अपन भी आया आजा। मोहित भाई गाने लगा दिया पंजाबी, ठीक है। 1 hour later I'm done with the workout. यार मेरा वर्कआउट हो चुका यार। तो यार खुशी मिल रही है भाई, स्कूटी इतनी साफ देख के, इतनी खुशी मुझे। तुम्हें दिख नहीं रही होगी क्योंकि कैमरा मेरा घटिया है। सब चंगा? हेलो हेलो बेटे, हेलो। वीडियो पे वीडियो बनाई जा, जिंदगी में खुशी की लहर बहाई जा। तुम्हारी स्कूटी ठीक कराने में बहुत पैसा दिए हैं हम, ना दे। 150 रुपया देगा। लेग्स की एक्सरसाइज करने के बाद तो पैरों में कंपन सी महसूस हो जाती है, अभी दर्द नहीं होता बट हो जाती है। चलो जी नहाने चलिए, आज ट्रेनिंग भी कर देंगे, पूरा का पूरा शरीर साफ कर देंगे आज अपना। चलो भी करना। मम्मी घर पे आ गई है, अब वो खाना बना रही है। नहाना धोना हो गया निकी। मम्मी मेरा ये बाल नहीं बैठ रहा, खाइए चलिए खाना खाइए। आज मम्मी आपने फिर से दाल बना दी, घर में जो देखो दाल बन जाती है मेरे। इतने मम्मी सब्जी गर्म करती हैं मेरे लिए, इतने हम सैलड काट लेते हैं जी, बना दिया है सैलड पापा के लिए मेरा ये। मम्मी देखना कितनी बड़ी हरी मिर्च। गुड़ के बिना कहाँ खाना मजा आता है, वो भी ठंड में। मम्मी इसके अंदर घी डालो।
सब्जी के अंदर। हम पिछले 4 दिन में 5 बार दुकान पे जा चुके हैं, आप बता नहीं सकते थे खिलाने? 4 दिन में 5 बार जा चुके हैं, 2 बार गया हूं मैं, 1 दिन तो। हमारा शाही पकवान रेडी है, कभी कभार रोटी सिर्फ ऐसे भी खानी चाहिए, दाल के अंदर भिगो के। संस्कार। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।